ਪੰਦੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਦੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨੋਰਮਲ ਪਿੱਛੇ 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 ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਥੋੜਾ कुछ नहीं, क्या कहना है, हम हाल चाल पूछना है, इंसानी फर्ज है। और ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ, बड़े पुराने हैं, सज्जन हैं अपने, कई वर्षों से इनको देख रहा हूँ और इनका काम बड़ा अच्छा है। तो बीमार हुए, बड़ी तकलीफ हुई इनको, और आप जानते हैं कि जो हमें कोई हमारे से बात करेगा तो जो हमसे हो सकता है हम करते हैं। इनका कहना है काफ़ी मदद आपकी तरफ से की गई काफ़ी। देखिए, एक पॉलिटिशियन का असली मकसद क्या है, उसका लोगों के साथ जो चाहे वो किसी भी स्तर में काम करता है। और मीडिया वाले अब जानते हैं कितना काम करते हैं, इनका कोई और कोई सोर्स है नहीं। अभी इनके घर को ही देखो एग्जाम्पल, कितने वर्षों से काम कर रहे हैं और कितने महीने हो गए इनको बेड में बैठे हुए, कैसे गुजारा होगा। और इनके पैसे दवाइयों और हॉस्पिटलों में खर्च हो जाएंगे तो मुझे बताओ फैमिली कैसे चलेगी। ये क्या मुल्क के लोग नहीं हैं, इस स्टेट और इस देश के लोग नहीं हैं। और जिस तरीके से फालतू तरीके से कहा गया है कि हम हॉस्पिटलों में ये दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मिलना तो चाहिए ना। जब इलाज ही नहीं है तो बंदा कहाँ जाएगा। हम तो फॉर्चुनेट, हमें जानते थे, हम रास्ते में इधर आए तो मैं कोई मीटिंग करने आया था इसी मोहल्ले में, तो मेरे पीछे आए, इन्होंने बात सुनाई सारी। मैंने कोई बात नहीं, इन्हें बात करी, मैंने फ़ोन कर दिया। जैसे अभी भी इन्होंने कह रहे मैंने जाना है उधर, कोई टंकर आया खोलने के लिए, तो करवा देंगे इनके इंतजाम, कोई ऐसी बात नहीं। ये हमारा फर्ज है। और मीडिया की, और जैसे आप मीडिया हो, इसमें भी अंतर है। आप एक आम कॉमन लोगों की तरह हो जो आप लोग, और आप लोगों के पास मुश्किल से गुजारा है, तो अब उस गुजारे में पढ़ाई महंगी हो जाए, हेल्थ महंगी हो जाए। वैसे तो मार्केट वैसे महंगी है, एक टमाटर नहीं खा सकता आदमी इससे, और क्या कर सकता, पिंडिया नहीं खा सकता, करेले नहीं खा सकता, जो पोजीशन बनाई है। और साथ में हमारे बच्चों की नौकरियां, एजुकेशन सब हाथ से निकलता जा रहा है। तो इस हालात में बीमारी, और अब हमारी जो स्टेट है
फुर्ती कितनी मारते हैं कि हमारे पास इतने मेडिकल कॉलेज और एम्स भी बना दिए। मैं ही था जो समय सारा कुछ किया है। लेकिन क्वेश्चन है, मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी एक ऑपरेशन भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा, लोगों का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा, और इतने मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, अब रजौरी के आदमी को फिर वहाँ से रेफर होके आना पड़ता है पूंछ।